दोस्तों, यदि आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चाहे धोनी की कप्तानी हो या फिर ऋतुराज गायकवाड़ की क्लासिक पारी, हैदराबाद के खिलाफ मैदान पर आए दर्शकों को पैसा वसूल मैच देखने को मिला और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में धोनी की टीम ने हैदराबाद को 13 रनों से करारी शिकस्त दी। वहीं जीत के बाद धोनी की कप्तानी और चेन्नई की जीत पर मोइन अली ने एक बड़ा बयान दिया है। आखिर क्या कहा है इस स्टार ऑलराउंडर ने, उसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी में से बेहतरीन खिलाड़ी कौन है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ अपने बल्ले से चौके छक्के बरसा रहे थे तो दूसरी तरफ स्टेडियम में केवल उन्हीं का नाम गूंज रहा था। हर जगह केवल गायकवाड़ गायकवाड़ के नारे लग रहे थे। जी हां, आज के मुकाबले में इस युवा सनसनी ने कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी की। आपको बता दें कि मजबूत हैदराबाद की गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करते हुए ऋतुराज ने आज अपनी क्लास दिखाई। आखिर क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज उन्हें क्यों भविष्य का सितारा बता रहे हैं, वो इस खिलाड़ी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है। भले ही हैदराबाद के खिलाफ शतक लगाने से केवल एक रन से चूके हों, लेकिन उससे पहले उन्होंने ऐसी पारी खेल दी जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। इस टूर्नामेंट में सनसनी मचाने वाले रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक को आड़े हाथों लेते हुए इस बल्लेबाज ने उनकी क्या पिटाई की। आपको बता दें कि उमरान मलिक जैसे गेंदबाज का इन्होंने धागा खोल के रख दिया। एक तरफ उमरान मलिक 150 से ज्यादा की गति से गेंदबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ गायकवाड़ अपनी क्लास दिखा रहे थे। जितनी तेज गेंद आती उतने ही प्यार से उसे चौके के लिए भेज देते। उनकी शानदार बल्लेबाजी ही रही कि चेन्नई ने आज 13 रनों से एसआरएच को शिकस्त दी है। वहीं से मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी भी लाजवाब रही। उन्होंने अपने गेंदबाजों का बखूबी इस्तेमाल किया और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद इस मुकाबले को चेन्नई हार भी सकती थी। वहीं दोस्तों, इस शानदार जीत के बाद मोइन अली का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां दोस्तों, मोइन अली ने अपना बयान देते हुए कहा है कि मुझे पूरा भरोसा था जब माही भाई कप्तानी करते हैं तो चेन्नई को हराना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है चेन्नई का कप्तान माही भाई को ही बने रहना चाहिए। जब तक वो क्रिकेट खेलते हैं तब तक तो उन्हें कप्तानी करनी चाहिए। आराम से भी 2-3 साल और क्रिकेट वो खेल सकते हैं। इतने फिट हैं कि 25 साल के युवा भी उनसे जीत नहीं सकते। वहीं दोस्तों, रविंद्र जडेजा पर खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। चाहे हाथ में गेंद हो या फिर बल्ले से कमाल दिखाना हो, वो हर जगह हिट साबित होते हैं। लेकिन कप्तानी सबके बस की बात नहीं है और मुझे लगता है जडेजा को एक खिलाड़ी के तौर पर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से मोइन अली ने धोनी और जडेजा की कप्तानी पर खुलकर बात की है, उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि शायद वो भी नहीं चाहते थे कि जडेजा चेन्नई के कप्तान हो। वैसे आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स सेमीफाइनल तक जा पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।